type of education first formal education second non formal education third informal education now coming to formal education first point formal education include education in academic setup second formal education is imparted in school college यूनिवर्सिटी एंड एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थर्ड इट इज़ डिलीबरेट प्रोसेस हम फॉर्मल एजुकेशन को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो स्कूल कॉलेज में दिया जाता है एक पर्टिकुलर एकेडमिक सेटअप होता है टीचर आते हैं स्टूडेंट होते हैं के मेथड्स होते हैं और ये एक प्लान प्रोसेस होता है प्लान वे में पढ़ाया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो किया जाता है फोर्थ फॉर्मल एजुकेशन इंक्लूड्स पर्टिकुलर टाइम सिलेबस एंड करिकुलम हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो एक प्रिस्क्राइब टाइम होता है सिलेबस होता है और करिकुलम होता है Fifth, it cannot be taught in half manner. Formal education जैसे-तैसे नहीं दिया जा सकता है. Sixth, it is imparted in real classroom setup with teacher and student. Formal education जो होता है वो classroom में दिया जाता है जहाँ teacher और student होते हैं. Teacher different type of methods, skills use करके अपने एजुकेशनल एम्स को पूरा करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन फर्स्ट पॉइंट इज दैट नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट लाइक फॉर्मल एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो फॉर्मल एजुकेशन से बिल्कुल अलग होता है सेकेंड इट डिड नॉट टेक स्पेस इन एकेडमिक सेटअप जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो क्लासरूम में होता है लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो क्लासरूम के अंदर नहीं होता है फॉर्मल एजुकेशन लोग घर बैठे भी ले सकते हैं नॉन फॉर्म थर्ड टाइम टेबल एंड सिलेबस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैन बी एडजस्टेड थर्ड टाइम टेबल एंड सिलेबस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैन बी एडजस्टेड हम लोग फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का टाइम टेबल सिलेबस नहीं चेंज कर सकते जैसे स्कूल और कॉलेज का एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है हम लोगों को उसी के अनुसार वहाँ पे मैनेज करना होता है लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन में टाइम टेबल और सिलेबस की फ्लेक्सिबिलिटी होती है हम किसी भी टाइम में पढ़ सकते हैं फोर्थ नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज नो एज लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी इन एज करिकुलम एंड टाइम नॉन फॉर्मल एजुकेशन का कोई एज लिमिट नहीं होता है इसे किसी भी एज के लोग ले सकते हैं किसी भी टाइम पे ले सकते हैं और इसमें करिकुलम की भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो थ्योरेटिकल इन नेचर होता है बट नॉन फॉर्मल एजुकेशन वोकेशनल और प्रोफेशनल होता है अनलाइक थ्योरिटिकल फॉर्मल एजुकेशन इट इज प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन नाउ सिक्स पॉइंट एग्जाम्पल कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन वर्कशॉप सेमिनार नाउ इनफॉर्मल लर्निंग फर्स्ट पॉइंट इनफॉर्मल लर्निंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल लर्निंग एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग इट टेक्स प्लेस एनी वेयर इनफॉर्मल लर्निंग कहीं भी हो सकता है चाहे आपका घर हो ऑफिस हो बाहर हो मार्केट हो कहीं भी ये हो सकता है सेकेंड इनफॉर्मल लर्निंग इज नॉट प्लान एंड डिलीबरेट इनफॉर्मल लर्निंग में हमें किसी भी तरह की प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती है हम ये कहीं भी कभी भी और किसी भी तरीके से सीखते हैं थर्ड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फोर वॉल ऑफ स्कूल इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता है वह हमें किसी स्कूल कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर लेने की जरूरत नहीं होती है फोर्थ इट डज नॉट हैव एनी टाइम टेबल एंड करिकुलजुकेशन के लिए टाइम टेबल नहीं होता है कोई सिलेबस और करिकुलम की जरूरत नहीं होती है फिफ्थ इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन नेचुरल वे इनफॉर्मल एजुकेशन आदमी अपने एक्सपीरियंस से लाइफ टाइम सीखते रहता है Sixth, एग्ज़ाम्पल मीडिया न्यूज़ पेपर टी वी मूवी फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स इनफॉर्मल एजुकेशन हम हमेशा सीखते रहते हैं जैसे कि मीडिया न्यूज़ पेपर टी वी मूवी फ्रेंड्स पेरेंट्स हम इन सारी चीज़ों से किसी न किसी तरह से कोई ना कोई चीज़ सीखते ही हैं तो ये सारी चीज़ें जो हम इनडायरेक्ट रूप में सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन के तहत आता है